हर साल की तरह इस पर भी जैसे पहले ट्रैफिक वीक मनाया जाता था, इस पर मिनिस्ट्री से जो गाइडलाइंस हैं इस बार हमने ट्रैफिक मंथ मनाना है और लोगों को पूरा महीना रादर ऐसे तो रूटीन में हम पूरा साल ही लोगों को अवेयर करते हैं, लेकिन इस बार पूरा महीना हमें रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे हमने एक शेड्यूल बना रखा है, जिसमें जैसे आज पहला दिन जब था तो हमने बाइक रैली की है और बाकी स्टेक होल्डर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। मैं बोलूँगा बाकी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, PMGS है, PWD है और पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, हम सब ने मिलकर पूरे का पूरा महीना इस बार हमने कोशिश करनी है कि लोगों को हर जगह पहुँच के, जैसे हमारे मंडी में कहें, लोरन में कहें, मैंडर में कहें, सुनकोट में कहें, सुनकोट में बबलियाल, वो कोशिश रहेगी हमारी कि हर जगह पहुँचें और पहुँच के लोगों को अवेयर करें कि हमने जो एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको मिनिमाइज़ कैसे करना है, वो हमारी कोशिश यही रहेगी इस पर। और मैं बोलूँगा मेन रोल जो हमारा इस चीज़ को अवेयर करने में रहता है वो हमारे मीडिया का है, तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आपके माध्यम से हर बंदे तक ये बात पहुँचेगी, हर आदमी तक ये बात पहुँचेगी जबकि हमें मिनिमाइज़ कैसे करने हैं, चूँकि मैं आपके माध्यम से ही ये हर बंदे तक बात पहुँच पाती है, चूँकि AKRTO या बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस या ट्रैफिक पुलिस तो हर जगह वो पहुंच नहीं पाएगी, तो हम सब ने मिल के इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, हमारे एक्सीडेंट कम से कम हों, रादर ना हों तो सबसे बड़ी बात है। जैसे पिछले साल की तरह इस बार हमारे 32% एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, लास्ट ईयर हमारी 24 पूरे साल में मौतें हुई हैं, जो हमने कोशिश करनी है क्योंकि वो बहुत ही कीमती जाने हमारी चली गई हमारे डिस्ट्रिक्ट से, वो हमने कोशिश करनी है कि आने वाले इस साल अल्लाह करे कुछ ऐसा ना, भगवान करे ऐसा ना हो, परमात्मा करे वाहेगुरु करें ऐसा कोई लॉस ना हो, जिसके घर से कभी ऐसी मौत होती है वो उसी घर में ही पता चलता है कि कैसे हुआ। तो इन हादसों को रोकने के लिए हमने हर जगह अवेयर करना है और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि उन आवाम से, मैं पुंछ की आवाम से यही कहूँगा कि आप हम लोगों को कॉपरेट करिएगा, आप अपने बच्चों को जो अभी 18 एज के नहीं हैं उनको बाइक ना दें, वो बाइक ना रोड पर लेके चलें, वो वैसा प्यार ना रखें कि कल कोई हादसा हो जाए तो उससे बेहतर है आज ही उनको बाइक ना लेके दें। तो बाकी आप सब लोगों का कॉपरेशन चाहिए, तो हमें इस इवेंट को सक्सेसफुल करना है। जो आज की बाइक रैली थी, पहले दिन का जो आगाज़ हुआ है वो लोगों को अवेयरनेस के लिए था कि विदाउट हेलमेट ना चलें, क्योंकि जब भी कोई विदाउट हेलमेट कोई हादसा होता है तो उस हादसे में सर्वाइवल टफ हो जाता है जब किसी को हेड इंजरी होती है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से भी है कि प्लीज़ मीडिया वालों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा।